हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि प्रोज का एक चैप्टर है हमारे इंग्लिश में। इसके राइटर कौन है? तो जीएल फुएंटेस हैं। ही वॉज एन मैक्सिकन राइटर। तो इनमें इसका जो मेन कैरेक्टर है लेटर टू गॉड का, वो है लेंचो। तो ऐसा नाम हम इंडिया में तो एटलीस्ट अभी नहीं सुनते हैं, या फिर अब थोड़े बहुत ऐसे नेम भी होने लगे। बट लेंचो एक जीएल फुएंटेस की एक स्टोरी में मेन कैरेक्टर है लेंचो, इसलिए इसका नाम ऐसा थोड़ा अजीब, हमारे लिए अजीब है। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ से हमारी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। तो एक हाउस था, किस पे था? तो एक हिल पे था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम हिज हाइट। तो और यहाँ से एक, अगर हम देखें तो यहाँ से एक नदी ऐसे हमें सीधे दिखाई पड़ती थी, और एक फील्ड जो कि किसका था, और ये हाउस किसका था? तो लेंचो का था, और ये फील्ड भी लेंचो का था। ये एक कॉर्न फील्ड था, कॉर्न यानी कि भुट्टा। तो यहाँ पे लेंचो ने भुट्टे की फसल लगाई हुई थी अपने फील्ड में। लेंचो बहुत मेहनती कह सकते हैं, फार्मर की तरह इस में दिखाया गया इस चैप्टर में। यहाँ पे ये जो कॉर्न फील्ड था वो लगभग राइप यानी पक चुके थे, सारे कॉर्न लगभग तैयार थे, केवल एक चीज़ की कमी थी उन्हें, वो क्या था कि एक बार बारिश होने की, एक बार थोड़ी सी बारिश होने की ज़रूरत थी इन फील्ड को, जिसे हमारी बुक में डाउन पुअर बोला गया है या फिर शार बोला गया है। अब लेंचो पूरे दिन क्या करता है, अब उसकी फसल लगभग तैयार हो चुकी है, बस एक बारिश की ज़रूरत है। तो वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे वो पूरे हिल पे अकेले उसका घर है, तो वहाँ पे इतने कह सकते रिसोर्स तो है नहीं या संसाधन तो है नहीं कि वो खुद से कुछ करके। और जस्ट लाइक आपके टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे खुद भी वाटर दिया जा सकता है फील्ड को, बट उस टाइम नहीं था। तो वो पूरे दिन यही सोचता है कि कहीं से थोड़ी सी बारिश हो जाए। और वो किस डायरेक्शन में देखता है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है, क्योंकि इस कह सकते हैं इस स्टोरी के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल क्या थे, इस फील्ड की तरफ आ सकते थे। अब उसे धीरे धीरे शाम का कह सकते हैं लगभग रात हो गई थी, नाइट में। अब उसे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ बादल दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्या बोलता है, उसकी जो वाइफ रहती है जो घर में इस टाइम खाना बना रही होती है, उससे बोलता है कि अब लगता है कुछ हमें बारिश या फिर पानी मिल सकता है। उसकी वाइफ क्या बोलती है कि हाँ, गॉड विलिंग, यानी कि हाँ, भगवान की कृपा से शायद हमें कुछ वाटर मिल जाए। अब उसके जो एक फार्मर है, तो उसके कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बड़े बच्चे जो हैं, वो फील्ड में अभी भी वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि लेंचो जैसे मेहनती है वैसे उसके चाइल्ड अभी क्या कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे वो घर के आसपास कहीं खेल रहे हैं। तो जब उसकी वाइफ अब क्या करती है कि सबको बुलाती है और कहती है अब हम लोग खाना खा लेते हैं, तो सबको बुलाती है और सब खाना खाने लगते हैं। और अचानक से क्या होता है, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि हमें कुछ वाटर मिल सकता है, अचानक से कुछ बूंदें बारिश की गिरने लगती हैं। अब कह सकते हैं लेंचो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक शार की ज़रूरत थी जो कि अब होने लगा था। तो वो क्या करता है, उसको फील करने के लिए जो अब बादल नॉर्थ ईस्ट से अब उसके फील्ड तक पहुंच गए थे और बारिश होने लगी थी, अब उसे वो सच में फील करने के लिए वो अपने घर से बाहर आता है और उसको फील करता है। और अब जब वो फील करके अपने घर वापस जाता है, तो वो क्या बोलता है कि ये जो बड़ी बूंदें हैं वो हमारे लिए केवल बूंदें नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, तो 10 सेंट
पीसेज हैं, ये वहाँ की कह सकते हैं करेंसी या कुछ हम मान सकते हैं, और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट पीसेस हैं। ये याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अब जबकि बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और सब आराम से खुश थे, अचानक से पूरा कह सकते हैं मौसम बदल जाता है, और अचानक से बहुत तेज़ आंधी कह सकते हैं चलने लगी, या फिर बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और ये जो बूंदें थीं अब वो हेलस्टोन बन जाती हैं, यानी कि ओले, जिसे हम हिंदी में ओले बोलते हैं, हेलस्टोन ओलों के रूप में गिरने लगती हैं। अब लेंचो अचानक से थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फील्ड के लिए ओले अच्छी चीज़ नहीं है, या कह सकते हैं उसे केवल शार की ज़रूरत थी, अब अचानक से ओले गिरने लगे तो उसे पता था कि अब फील्ड ख़राब हो सकता है। और उसके जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ओले गिरना थोड़ा सा एक्साइटिंग मोमेंट हो जाता है, तो वो तो जाके उसे इकट्ठा करके और खेलने लगते हैं। लेकिन जब लेंचो टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है कि ये अब कुछ थोड़ा बूढ़ा हो रहा है और इसे आई होप इट पासेस क्विकली, यानी कि ये जल्दी बीत जाए। लेकिन क्या होता है, 1 घंटे तक, फॉर एन आर, 1 घंटे तक ये हेलस्टोन ऐसे ही बरसते जाते हैं, यानी कि ये जो ओले की बारिश है ये उसके फील्ड पे होती रहती है। और 1 घंटे बाद ये फील्ड अब कैसा दिखने लगता है, तो ये ऐसा दिखने लगता है कि इस पे नमक, पूरा फील्ड जो पूरे कॉर्न है उसकी, उसके ऊपर ऐसे नमक पूरा किसी ने डाल दिया, क्योंकि हेलस्टोन वाइट होते हैं जो, और एक नमक होता है जो बड़ा होता है थोड़ा, इतना बड़ा दिखने में, वैसा कुछ फील आने लगता है यहाँ से। और जो सारी कॉर्न के ट्रीज़ की लीव्स होती हैं वो सब झड़ के और ख़त्म हो जाती हैं। अब जो है लेंचो बिल्कुल कह सकते हैं दुख से भर जाता है, और जाके इस फील्ड के बीच में खड़ा होकर अपने जो उसके बड़े बच्चे होते हैं जो पहले फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनसे क्या बोलता है कि इससे अच्छा तो प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ये प्लेग ऑफ लोकस्ट्स क्या होते हैं, तो ये कुछ कीड़े होते हैं जो फील्ड को पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक ख़राब कर सकते हैं। तो वो क्या बोलता है कि इससे अच्छा तो प्लेग ऑफ लोकस्ट जो होते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, प्लेग ग्रुप है, लोकस्ट के ग्रुप, तो कुछ तो कौन हमारे लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस जो हेलस्टोन की बारिश है उसने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब ये रात उनके लिए काफ़ी, पूरी फैमिली के लिए कह सकते हैं, बहुत दुख था कि ऐसे अब पूरे साल की उनकी मेहनत ख़राब हो चुकी थी, और जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अकेली पूरी पहाड़ी पे, केवल उसका घर था, उसका फील्ड था, और एक पास से जाती हुई नदी थी। अब उसके जो पूरी फैमिली थी, अब उनके पास कह सकते एक भी उम्मीद नहीं बची थी, एक भी होप नहीं थी, लेकिन एक होप थी। किसके मन में थी? वो थी लेंचो के मन में। अब लेंचो के मन में अब कौन सी कह सकते उम्मीद थी, तो कह सकते वो बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव करने वाला, गॉड पे बिलीव करने वाला इंसान था। वो ऐसे नहीं, वो जो भी चीज़ें उसे अपनी लाइफ में मिली वो उसका पूरा कह सकते उसको श्रेय जो था वो गॉड को देता था। वो केवल गॉड पे इस टाइम, अब उसकी एक उम्मीद बची थी, वो गॉड थी। अब वो पूरी रात क्या सोचता है कि अब मैं गॉड को कैसे, मैं गॉड से कैसे हेल्प मांगूँ। लेंचो उस टाइम का इंसान था जब फार्मर कह सकते हैं ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं होते थे, जब पढ़ाई कह सकते हैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट उसे क्या था, उसे लिखना आता था, वो लेटर लिख सकता था, वो कह सकते हैं अपने थोड़ा बहुत काम की चीज़ें लिखना आता था उसे। अब उसके प्लान, उसके मन में रात भर वो सोचता है, अब उसके मन में आता है अ लेटर टू गॉड, यानी कि अब यहाँ पे हमें कह सकते हैं इस जो कहानी का मेन था, अब पता चला कि लेटर, वो गॉड को एक लेटर लिख सकता है। अब अगले संडे यानी कि द फॉलोइंग संडे,
फॉलोइंग का मतलब क्या है? फॉलोइंग का मतलब है कि जब ये बारिश होती है उस रात के बाद जो अगला संडे आता है उस पे वो क्या सोचता है कि मैं केवल अब एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं गॉड को एक लेटर लिख दूँ। अब वो कैसे लिखेगा वो हम देखते हैं अभी, पहले ये मैं रफ कर देती हूँ। वो उस रात फैमिली को अपने समझाता है कि नो वन डाइज विथ हंगर, यानी कि कोई भी इंसान भूख से कभी नहीं मरता है। वो उस रात अपनी फैमिली को ये समझा के थोड़ा सा कन्वेंस तो करता है, लेकिन पूरी रात सोचने के बाद अब वो नेक्स्ट जो फॉलोइंग संडे था एट डे ब्रेक, यानी कि दिन में जब डे ब्रेक होता है तो वो अब क्या करता है, गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो क्या लिखता है तो टू गॉड, ये उसकी फर्स्ट लाइन होती है। जैसे कि हम लेटर लिखते हैं किसी को, तो वो भी अब गॉड को लेटर, और उसने क्या सोचा था कि वो खुद मेल करके आएगा गॉड को। मतलब पहले जब पोस्ट ऑफिस, अब तो पोस्ट ऑफिस की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई, बट तब वो सोचा कि पोस्ट ऑफिस तक वो खुद लेके जाएगा अपना ये लेटर, तो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया टू गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, यानी कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल क्या होंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेजॉस। अब ये पेजॉस क्या है, तो पेजॉस जो है वहाँ की, जैसे अभी हमने पढ़ा सेंट, तो कह सकते हैं सेंट पैसा था, जो कि अब तो हमारे यहाँ नहीं चलता है, और ये क्या है, ये है रुपए, तो ये वहाँ की करेंसी कह सकते हैं पेजॉस वहाँ की। तो उसे क्या चाहिए अब 100 पेजॉस रुपए, किस लिए, वो रीज़न भी लिखता है कि उसे किस लिए चाहिए। तो टू सो माई फील्ड, यानी कि फिर से अपने फील्ड को, फील्ड में जो कुछ तो उसका खर्चे भी होंगे ना, कि फील्ड में फिर से वो चीज़ें लाएगा तब तो वो अपना फिर से फील्ड बना पाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, कौन जमा पाएगा। तो टू सो माय फील्ड, और जब तक फील्ड नहीं आ रही, जब तक उसका नेक्स्ट ईयर के लिए कौन नहीं तैयार हो सकता, तब तक वो क्या खाएगा, उसके लिए भी उसे टोटल 100 पेजॉस चाहिए। जब तक क्रॉप नहीं आ जाती अगले साल तक, तब तक के लिए उसके खाने का इंतज़ाम। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, लास्ट में वो क्या रीज़न लिखता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज द हेल स्टॉर्म उसका रीज़न होता है। और अब ये क्या करता है, ये पूरा जो लेटर इसने लिखा है, अब वो क्या करता है कि एक स्टैम्प लेता है, ऊपर एनवलप पे क्या वो लिख देता है, एनवलप पे लिख देता है टू गॉड, यानी कि गॉड को। अब फाइनली वो कह सकते हैं कि लेटर को एनवलप के अंदर रख के, और पोस्ट ऑफिस अपने जो टाउन के, अब वो अपने हिल से टाउन पे जाकर और वो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है, उस पर अच्छे से स्टैम्प लगा के और मेल बॉक्स में रखाता है। अब एक एम्प्लॉय क्या करता है, जो भी पोस्ट ऑफिस में आएगा उसको जहाँ जहाँ देना होता है, तो सबको अलग अलग किया जाता है कि ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सारे ही जो एनवलप होते हैं या फिर जो मेल होते हैं। तो अब एक एम्प्लॉय क्या करता है कि जो पोस्टमैन होता है, वो एम्प्लॉय वो पोस्टमैन का काम करता है, जो कि हेल्प करते हैं पोस्ट ऑफिस की, वो क्या करता है, लेटर टू गॉड देखकर वो बहुत तेज़ हंसने लगता है। उसने अपने करियर में कभी ऐसा देखा ही नहीं होता कि कोई गॉड को भी लेटर लिखे। ये थोड़ी अजीब तो बात है ही कि कोई गॉड को लेटर लिख रहा है, लेकिन वो लिखता है। अब उसके जो पोस्टमास्टर होते हैं वो कैसे होते हैं,
ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है छोटा कि पोस्ट मास्टर कैसे होते हैं। तो अ फैट यानी कि थोड़े मोटे, अमीएबल यानी कि खुश मिजाज, अमीएबल फेलो, वो भी बहुत कह सकते हैं बिल्कुल हंसने लगते हैं ये सुन के कि एक इंसान ने गॉड को लेटर लिखा है, लेकिन वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं। क्यों सीरियस हो जाते हैं? क्योंकि ये है तो थोड़ा अजीब बात कि गॉड को लेटर लिखना, लेकिन ये एक सीरियस बात भी है कि उसे 100 पेजॉस चाहिए, और वरना वो पूरे साल कैसे अपना अपनी पूरी फैमिली को कह सकते हैं कैसे वो अपनी फैमिली का पोषण करेगा कह सकते हैं। तो अब वो अपने डेस्क पे इसको रख के और कमेंट करता है। अब वो क्या सोचता है कि जब वो लेटर टू गॉड अचानक से सीरियस होके वो सोचता है इतनी ज़्यादा बिलीव किसी को गॉड पे कैसे हो सकता है। तो अब वो किसी इंसान का बिलीव तो तोड़ना नहीं चाहता है गॉड से, तो वो क्या सोचता है कि अब वो खुद लेटर का रिप्लाई करेगा। अब लेटर का रिप्लाई करने के लिए जब उसने लेटर खोल के देखा, तब उसे पता चले कि ये केवल इंक पेपर या फिर किसी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिए उसे। उसे क्या चाहिए हेल्प? 100 पेजॉस की। एंड उस टाइम पे कह सकते हैं 100 पेजॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती होगी। तो अब वो क्या सोचता है कि नहीं, मैं हेल्प तो करूँगा। तो अब वो क्या करता है कि वो एक चैरिटी जैसा कुछ काम करने की सोचता है। अब वो अपने कलीग से अपने सैलरी का कुछ पार्ट और अपने जो कुछ फ्रेंड से उनसे हेल्प मांगता है एज अ चैरिटी कि आप कुछ पेजॉस या कुछ जो हेल्प कर पाएँ वो आप दीजिए। अब वो इकट्ठा तो करने की बहुत कोशिश करता है, बट वो 100 पेजॉस नहीं, बट मोर देन हाफ पेजॉस यानी कि हाफ से ज़्यादा, यानी कि वो 70 पेजॉस कर लेता है कैसे ना कैसे इकट्ठा। अब वो क्या करता है कि इन 70 पेजॉस को गॉड के नेम से एक लेटर में लिख के और वो पोस्ट बॉक्स में सेंड कराता है। उस पे उसने गॉड की सिग्नेचर कर दी होती। अब जब नेक्स्ट संडे को, द फॉलोइंग संडे को, जब उसने लेंचो ने जो टाइम बताया होता है गॉड को, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो पहले आ जाता है, क्योंकि सबको ही थोड़ा सा होगा कि पहले जब रुपए मिलने की बात होती है तो थोड़ा सा सब लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। तो वो भी एज़ यूज़ुअल थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है। और अब क्या करता है, उसको जो साइड में पोस्ट मास्टर जो होता है जिसने मेन हेल्प की होती है, वो साइड में एक खड़ा होके कह सकते हैं अपने ऑफिस के जो डोर के साइड में खड़ा होके वो क्या करता है, लेंचो की चीज़ों को देखता है। अब लेंचो क्या करता है, वो बिल्कुल लेटर लेता है और बिल्कुल विदाउट कोई भी उसे कुछ ये नहीं कि सरप्राइज़ मिले कि 70 पेजॉस उसे मिल गया, या वो रुपए को देखता है ठीक है नॉर्मल है, फिर उसे काउंट करता है। तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए उसको आता है बिकॉज़ वो सोचता है गॉड से कभी गलती हो ही नहीं सकती, और ये 70 पेजॉस क्यों निकले फिर रुपए, क्योंकि गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, तो ये 70 पेजॉस क्यों रुपए निकले। उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो तुरंत क्या जाता है वहाँ पे नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में विंडो जो बनी होती है वहाँ से वो क्या लेता है, इंक लेता है, पेपर लेता है, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है वहाँ पे कोई ऐसे टेबल होगा। अब पोस्ट ऑफिस के सिस्टम हमें तो ज़्यादा पता नहीं होते हैं बिकॉज़ आज के टाइम में तो है नहीं, बट तब होता होगा कोई राइटिंग टेबल, जहाँ पे वो स्टार्ट कर देता है लिखना। अब क्या वो लिखता है, तो अभी ये तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी में हमें नहीं बताया गया है कि वो क्या लिखेगा, लेकिन लिखना स्टार्ट कर देता है। वो थोड़े गुस्से में होता है और अपने आइडियाज़ को वो उसमें लिखना स्टार्ट कर देता है, और जब वो फिनिश करता है तो वो क्या फिर से विंडो के साइड जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है। स्टैम्प बिना शायद कोई जो मेल हम लोग लेटर लिखते हैं
वो नहीं सेंड होता होगा, तो वो स्टैम्प लेता है, उस पर लगाता है एनवलप पे और फिर सेंड कर देता है। अब पोस्ट मास्टर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि वो क्या ऐसा लिख के और इतने कुछ अलग से एक्सप्रेशन में लिख के क्या गया है। तो वो तुरंत जाता है और पोस्ट मास्टर क्या करता है, खोलता है उस मेल को। अब उसमें क्या लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेजॉस रीच्ड मी। वो क्या बोलता है कि गॉड, मैंने जो जितने आपसे रुपए मांगे थे उसमें से केवल मुझे 70 पेजॉस मिले। वो इससे खुश नहीं है कि उसे 70 पेजॉस मिले, वो इससे दुखी है कि उसे केवल 70 पेजॉस ही क्यों मिले। अब वो क्या बोलता है, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी के बचे, यानी कि 30 पेजॉस जो बचे हैं वो मुझे जल्दी से आप भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, यानी कि जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उसे ऐसा फील होता है कि उन्होंने इसके 30 पेजॉस क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। तो इस स्टोरी में हमें मेन दिखाया गया कि ह्यूमन का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ ह्यूमन, कि उसे कितना भी एक टाइम के बाद अगर मिल भी जाए तो उसे कह सकते हैं वो सेटिस्फाइड कभी नहीं होता। और एक तरफ हमारा जो पोस्ट मास्टर है उसने इतनी भलाई की और कह सकते हैं भलाई का जमाना नहीं है, ह्यूमन नेचर की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि उसको 30 पेजॉस क्यों नहीं मिले। अब पोस्ट मास्टर ने तो अच्छा काम किया, लेकिन वो बन क्या गया, एम्प्लॉयज बन गए बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों के जो कह सकते हैं चोरों का ग्रुप, बंच ऑफ क्रूक्स बन गए। अब मैंने ऐसे समझाने का ट्राई किया, अगर समझ में आई हो तो अच्छा है, आई होप समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।